व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय न्यू वीडियो। सो आज का एक वीडियो ब्लॉग बनने वाला है, बट ब्लॉग के अंदर एक चैलेंज होने वाला है। सो अभी एक दिन का चैलेंज किया, आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा। सो आज मतलब अभी भी मैं जस्ट उठा हूँ एंड अभी कुछ 10:30 हुए एंड उठते मेरे पास ये मैसेज आया। सो क्यों ना मैंने सोचा, ये एकदम बोलते हैं ना, उठते मेरे को दिमाग में आया, मैंने स्टार्ट कर दिया चैलेंज। सो ये चैलेंज आपको अब ऐसा है कि लिविंग विदाउट इंटरनेट और जियो प्लान फॉर 24 आवर्स। सो अब इसमें मैं बिना नेट के रहने वाला हूँ, तो अब मैं कैसे रहूँगा मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। एंड थोड़ा सॉरी साउंड ख़राब आएगी, इसलिए रोड है बाजू में। सो बस यही था, और आज मैं चाहता तो मम्मी पापा को हॉटस्पॉट लेके अपना दिन निकाल लेता, या कार्ड लेके रिचार्ज करा लेता। सो आया फ्रेंड्स के साथ जाके अपना टाइम स्पेंड कर लेता, बट मैं नहीं करूँगा वो। सो अब मैं कैसे रहूँगा मुझे नहीं पता। अब आज के डेट में फ़ोन ऐसा, मतलब इंटरनेट का कोई पता कैसा होगा। सो बस अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, स्टार्ट करते आज का वीडियो। एंड बस थैंक यू, उनको भी बोलना चाहूँगा, मतलब मेरे को इतनी छोटी स्पेस दी अपने इंट्रो करने के लिए, तो थैंक यू, थैंक यू भैया। वैसे तो मैं अपने काम से नीचे उतरा हुआ ही था, तो मैंने सोचा एक राउंड काट लेता हूँ, तो टाइम पास भी हो जाएगा, फिर घर पे चला जाऊँगा मैं। सो यहाँ पे मैं नीचे आया हूँ आपको एक जगह दिखाने, मतलब ये जगह मेरे को इतनी पसंद है आज की डेट में भी, लास्ट 3-4 साल से ये जगह मेरे को बहुत पसंद है। सो ये जगह मतलब ऐसी है कि अगर मैं अपसेट होता हूँ या मूड ख़राब होता है, या मुझे थोड़ा यू नो फील करना है कि अपने बोलते हैं ना अकेला बैठना या फील चील करना है, तो मैं आके आप थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता हूँ। वैसे ये जगह भी टूट गई है, थोड़ी ख़राब कर दी है, पहले ऐसी नहीं थी, बट फिर भी इट्स मिनी गोवा। सो अभी इसकी कंडीशन दिखाता हूँ कैसी हो गई है, ये पूरे बोलते हैं हर जगह खराब ही खराब हो गई है, तो दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। ये देखो हर जगह पूरा कचरा ही कचरा कर दिया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, यहाँ पे सारे वो बोलते हैं टाइल वाइल टूटी पड़ी है, यहाँ पे खींची है पूरे, मतलब यहाँ पे पूरे ऐसे कर दिया कबाड़ा, नहीं तो खाली ऐसे पेड़ हुआ करते थे एंड यहाँ पे रोड हुआ करती थी एंड थोड़ी सी यू नो घास हुआ करती थी। अब आगे देखो जूम करके दिखाऊँ तो पूरा जंगल जंगल कर दिया, और यहाँ पे मेरी इतनी सारी मेमोरीज है, इतनी सारी, और वो मैं बता नहीं पाऊँगा अभी, थोड़ा टाइम बाद में बताऊँगा। बट लुक एट दिस, क्या हालत हो गई अभी इसकी। यहाँ पे लोग पहले फ़ोटो शूट के लिए आया करते थे, दोस्तों के साथ मस्त बैठा करते थे इसी जगह पे, शायद मैं और मेरा दोस्त भी बैठा कि इसी जगह पे। सो अभी ऐसा हो गया पूरा, और जूम करके दिखाऊँ तो लुक एट दिस क्या हो गया ये। अब अंदर जाने में फटती है, क्या पता अंदर कुछ हो या नहीं, रात को तो आते ही नहीं लोग। एंड अभी भी मैं मुश्किल से अंदर आया, मतलब कोई आके मुझे बोल सकता है कि भाई यहाँ शूट नहीं कर सकते। तो बस ये जगह दिखानी थी अब मेरे को, कोई नहीं, चलते अब यहाँ से निकलते हैं, घर चलते हैं, फिर देखते हैं। गाइज इट्स नाउ 12:30। सो अब आप सोचोगे कि मैं 11:30 से 12:30 तक कहाँ था। सो मैं 11:30 से लेकर 12:30 मतलब 11:30 से 12:30 में क्या करा था, अपने हॉल से लेके रूम से लेके हॉल तक मैं यहाँ से चक्कर काटा था। एंड मैं ये सोचा कि क्या करना आगे, शेड्यूल सोचा था मैं। सो शेड्यूल में मेरे को दो चीज़ खाली समझ में आई कि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं एक्सरसाइज करूँगा, एंड आज क्वालिफाई का सेकेंड मैच है जो RCB का। सो मैं पूरे वर्ल्ड कप या T20 में कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ RCB का मैच होता है तो वो पूरा देखता हूँ मैं। सो वो स्टार्ट होता है 7:30 से लेकर 11:30, सो मेरा टाइम पास हो जाएगा। फिर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक वो 1 घंटा टाइम पास हो जाएगा। सो ये सोच लिया, बट अभी 12:30 से लेकर 5 बजे मैं क्या करूँगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो सोचा था। एंड मेन चीज़ है रात का टाइम। सो रात जब अपने 11 बजे से लेके कोई 1 बजे होता है, कोई 2 बजे, सो वो इतना गैप जो होता है 11 से लेके अप्रोक्स 2 बजे तक का, उसमें अब क्या करना वो सोचा था मैं, तो उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। सो अभी तक इतना ही सोचा मैंने, सो दैट्स इट, देखते हैं। वो घड़ी देख रहे हो, सो घड़ी में अभी कुछ टाइम हो गया, 1 बज गए, बट वो
टिक 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 हो रहा है ना, वो घड़ी अपने हिसाब से सही चल रही है, बट मेरे लिए वो घड़ी इतनी धीरे चल रही है कि मैं नहीं बता सकता। और घड़ी देख के मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है और इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, वो इतना धीरे, मैं वो समझ नहीं आ रहा कब साढ़े 10 होंगे, मैं क्या करूँ यहाँ पे लेटे लेटे, फ़ोन है पर नेट नहीं है। गुस्सा आ रहा है, वो अपने हिसाब से सही चल रही है बट मेरे लिए, मुझे मेरे लिए बहुत धीरे चल रही है, क्या करूँ। अभी 4 बज गए, मतलब 4 o'clock। सो अभी तक मैंने फ्रूट खाए थोड़ी देर, यहाँ वहाँ घुमा लेटा, मम्मी पापा की मस्ती की बातें की हुई, एंड चौथा अभी जो नवंबर की एंडिंग में एंड दिसंबर की स्टार्टिंग में 2 शादी, उसमें मेरे को अटेंड करना है, तो उसके हिसाब से कपड़े भी सोचा मैंने, एंड शॉपिंग पे जाना है तो थोड़ा जो बाकी वो भी थोड़ा डिसाइड किया बात बैठ के मम्मी पापा के साथ, एंड ये सब किया मैंने। सो अब 4 बज गए, 5 बजे एक्सरसाइज करनी है, सो 1 घंटे का नैप या रेस्ट ले लेता हूँ, बाद में थकान नहीं होगी, आलस नहीं आएगा। सो मिलते हैं सीधा 5 बजे, वर्कआउट करते हैं। सो अभी 5:10 हुए कुछ, एंड अभी जस्ट उठा हूँ मैं 2 मिनट पहले, एंड 5 बजे उठना था बट 5:10 हो गई, बट 2-5 मिनट जो है इधर तो हो जाता हूँ, आँख खोल लेता हूँ पूरी, फिर स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट 1 घंटे तक, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अभी 6 बज गए, वर्कआउट भी हो गया, फ्रेश हो गया, एंड ये टी शर्ट वही नहीं है दूसरी, क्योंकि मेरे पास ब्लैक टी शर्ट कम से कम 5-6 है, सो उसमें से एक ये टी शर्ट है मेरे पास। सो अभी घर पे कोई गेस्ट आया हुआ है, सो मम्मी ने बोला कोई सामान लेके आओ, सो वही नीचे उतरा इसलिए मैं, एंड आई मुझे तो पता है बहुत आलस आता है ये काम में, मतलब कोई गेस्ट आने वाला है तो पहले बता दो कुछ लाना है, जब आएंगे बैठेंगे फिर देखेंगे कुछ नहीं फिर मंगाएंगे, ऊपर से हम मैं आलसी हूँ कि मुझे बहुत आलस आता है बाद में नीचे जाने उतरने का, फ़ोन कर फिर क्या कर, मम्मी को ना भी नहीं बोल सकते, करना पड़ेगा। सो गाड़ी उधर, सो लेते फिर चढ़ते वापस, 6 बज गए, एंड बाद में देखते क्या करना है, बाद में 7:30 तक टाइम पास करना है, फिर 7:30 अपना RCB का मैच स्टार्ट हो जाएगा, एंड बाद में मज़े देखते आज RCB क्वालिफायर थोड़ी ना होगी, उस जीत गए तो वापस उसको वापस मैच खेलना पड़ेगा, तो देखते क्या होता है। कहाँ है गाड़ी, चलो मिलते। ऑल राइट गाइज, मैच ख़त्म हो गया, एंड रिजल्ट आपको पता ही है, अच्छा नहीं था, कोई नहीं हार गई, सो अब क्या कर सकते हैं। सो वैसे भी मैंने ये टैटू जो लिखवाया ना, एवरीथिंग हैपन फॉर रीज़न, वो इस चीज़ के लिए लिखवाया, मतलब कुछ भी बुरा होता है या कुछ भी अच्छा नहीं होता है तो इस टैटू के ऊपर ही मैंने ये मतलब ये लिखवाया, ठीक है। मैं फंबल क्यों कर रहा हूँ पता नहीं। सो अभी 11:08 हुई है, अब सो जाता हूँ, जितना जल्दी सो जाऊँ उतना अच्छा है, नहीं तो फिर रात को मैं मम्मी का हॉटस्पॉट लेके फ़ोन यूज़ नहीं करने लग जाऊँ, मुझे पता नहीं इंस्टा में कितना मैसेज है, व्हाट्सअप कैसा है, और यूट्यूब में वीडियो नहीं देखे किसने अभी डाला है नहीं डाला है, सो मुझे बहुत हो रहा है कि देखना है मुझे, और ये पिंपल भी आ गया एक, सो बस बहुत भूल गया मैं। सो अभी सोने का एक ट्रिक बताऊँ आपको, कैसा सोना, अगर सोना हो तो देखो फ़ोन रख दो, ठीक है, साइड में आँख बंद करो, एंड इमेज करो, कुछ स्टोरी बनाओ अपने हिसाब से, मतलब
आगे का फ्यूचर आपको जो करना है, जैसे मैं यूट्यूब कर रहा हूँ ना, तो यूट्यूब के एक एग्जाम्पल तौर पर मुझे यूट्यूब में आगे ये होगा वो होगा, आई विल बी लाइक दैट, आई विल बी दैट, तो ऐसे करके सोचते रहो बाद में अपना माइंड अपना भी ठंडा पड़ जाएगा, तो अपना आपको कब आँख लगेगी पता नहीं। सो ये मैं यूज़ करता हूँ ट्रिक, आप पे भी होती होगी तो अच्छा है, आप भी जल्दी सोना स्टार्ट कर दोगे। सो ट्राई करता हूँ 12 बजे तक सो जाऊँगा मैं, 12 बजे क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर मम्मी पापा के साथ बैठूँगा, वो मस्ती करते करते मेरा टाइम निकल जाएगा। सो बस सुबह उठूँगा तो 10:30 हो जाएंगे तब भी, चलो देखते। ऑल राइट गाइस, सो फाइनली अभी जस्ट मैं उठा हूँ, अभी कुछ 10:23 या 10:25 हुए, सो अभी मैं कार्ड लेके रिचार्ज करूँगा तब तक, या अपना इंट्रो आउट्रो ख़त्म करूँगा तब तक ही 10:30 हो जाएंगे। सो फाइनली कल स्टार्ट किया था एंड आज जाके मेरा चैलेंज ख़त्म हुआ एंड ये सक्सेसफुली रहा, मैंने कोई चीट नहीं किया, मैंने एकदम रियली एक दिन बिना नेट के रहा। अगर मैं सही बोलूँ मेरे को फील ही नहीं हुआ, क्योंकि कल गेस्ट आ गए थे उनके पास बैठा था, मैच था, 3-4 घंटे उसमें निकल गए, एक्सरसाइज की उसमें एक आधा घंटा निकल गया, सो गया एंड थोड़ी देर मम्मी पापा के पास बैठा उनके टाइम निकल गया, यहाँ वहाँ घूमा ऐसे निकल गया, तो ये 5 चीज़ें थी तो मैं ऐसे निकल गया, चैलेंज ख़त्म हो गया। इनमें से एक दो चीज़ नहीं होती पक्का मैं हार मान लेता, बट एनीवेज एक्सपीरियंस बताऊँ तो अब इतना कुछ फील ही नहीं किया, मैं बोर हो रहा हूँ या यू नो कंटाला आ रहा है कि कुछ हो रहा है, बट ऐसा ज़रूर लग रहा था कि दिन बहुत बड़ा लग रहा है, आलस आ रहा है एंड था, बट रहना चाहिए कभी कभी नेट के बिना तो पता चलता है कैसा लगता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, सो बस इतना बोलूँगा एक्सपीरियंस थोड़ा सा यू नो ठीक था, स्टार्टिंग में लगा था डिफ़िकल्ट है नहीं रह पाऊँगा, बट धीरे धीरे हो गया, कोई नहीं, आप भी ट्राई करना अगर अच्छा लगा हो तो, और आपको ये चैलेंज अच्छा लगा हो तो मेरे को और बोलना, और चैलेंज बनाऊँगा मैं, नहीं तो ब्लॉग्स तो आएंगे अब, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।